दोस्तों नमस्कार, टीवी इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी महाराष्ट्र के आईटी सेल के संयोजक सतीश निकम साहब। आप राजनीति और सामाजिक क्षेत्र को लंबे समय से देख रहे हैं और इस वक्त जैसा कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव बिल्कुल सर पर आ गया है, घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन इस पर जो असमंजस बना हुआ है उसी पर चर्चा करने के लिए आज हमने खास तौर पर इन्हें आमंत्रित किया। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यही कहना चाहेंगे कि आप लोगों की सत्ता महाराष्ट्र में नहीं रही, अब महाविकास आघाड़ी की सत्ता है और महाविकास आघाड़ी अब मुंबई महानगर पालिका में अपनी सत्ता स्थापित करना चाहती है, लेकिन चुनाव को लेकर असमंजस इस तरह का है कि इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। आप तो आईटी सेल के संयोजक हैं, सारी घटनाओं को आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, आखिर महाविकास आघाड़ी चुनाव से क्यों भाग रही है? बहुत सही अनुमान लगाया सुधीर जी आपने, महाविकास आघाड़ी चुनाव से भाग रही है। उसके कई कारण हैं, खास करके आपने नवी मुंबई का उल्लेख किया, तो नवी मुंबई के बारे में अगर मैं बोलूं तो दो तीन विषय मेरे ध्यान में आते हैं। पहला विषय यह है कि एक बात आप ध्यान में रखिए कि प्रशासक नियुक्त है, प्रशासक नियुक्त होने का एक निश्चित कार्यकाल होता है। यस हाँ। लेकिन अभी जो विधानसभा अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने 3 महीने का एक्सटेंशन लिया है। यस हाँ, हाँ। क्या कारण है? तो जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो इस राज्य को चला रहे हैं और इस महाविकास आघाड़ी को चला रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि जैसे तैसे प्रशासक तो हमने रखा हुआ है, अगर हमने चुनाव लिए और चुनाव में अगर सत्ता पलट हो गया, बीजेपी नवी मुंबई में फिर से एक बार सत्ता में आ गई, तो हमारे सारा नियंत्रण हमारा छूट जाएगा। ये पहला मुद्दा, और ये नियंत्रण बनाए रखे इसके लिए चुनाव को जितना आगे करना है उतना करने की कोशिश ये महाविकास आघाड़ी के सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, अगर आप देखेंगे तो पिछले 1.5 साल में या 1 साल में जो कोरोना की स्थिति रही, उस कोरोना की स्थिति में सारा नियंत्रण नवी मुंबई के सारे कामों का, यानी कोरोना में आप भी हमारे साथ में थे, जंबो सेंटर में हमने हाँ। विजिट किया, इतने बड़े बड़े जंबो सेंटर खड़े हुए, लेकिन भोजन से लेके मास्क से लेके बड़ी बड़ी मशीनों के टेंडर तक में किसी का प्रभाव रहा, और हम सब जानते हैं कि वो प्रभाव हमेशा ठाणे से रहा। यानी क्या, तो ये बात साफ सुथरी है कि नवी मुंबई का नियंत्रण आज ठाणे से हो रहा है। आप पालक मंत्री की तरफ इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सटीक, मैं बिल्कुल छुपकर बात नहीं करूंगा, तो नाम लेके सटीक सटीक नहीं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, लोग समझदार है, समझ जाते हैं। ठीक है, तो ये नियंत्रण कहीं हम खो न दे, इसके लिए चुनाव करना आज उनके लिए संभव नहीं। ये एक कारण है, लेकिन इसके आगे भी कई कारण है। पहला कारण यह है कि 2-3 महीने पहले जब चुनाव होने के आगाज शुरू हुए थे, तब महाविकास आघाड़ी का बड़ा मेलावा हुआ था विष्णुदास भावे में, बहुत बड़े बड़े नेतागण आए थे और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए, 70-20-20 इस प्रकार का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी सामने आया। लेकिन ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ना कांग्रेस को रास आया ना एनसीपी को रास आया, इसके लिए आज की तारीख में राष्ट्रवादी कांग्रेस अपना खुद का मेलावा सुप्रिया सुले जी की नेतृत्व में कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस वाले अपना अलग से मेलावा कर रहे हैं, यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ खींचातानी शुरू हो गई है। यानी ये खींचातानी कहीं आगे जाकर राज्य में खींचातानी न करे, क्योंकि हर यहाँ बैठा हुआ नेता ऊपर किसी न किसी का चेला है, और वो चेले को नाराज करने के बजाय ऊपर का नेता नाराज हो जाएगा, तो हमारे बीच में खींचातानी होगी। आज भी, आज के दिन, मतलब आज हम मंगलवार को यहाँ सुबह बैठे हुए हैं, आज भी सुबह अधिवेशन के पहले कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, उसमें विधानसभा अध्यक्ष को चुने जाने के ऊपर बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जोर दिया, लेकिन महाविकास आघाड़ी ने कहा कि कोरोना के वजह से बहुत सारे MLA जो है वो बीमार चल रहे हैं और वो इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। यानी पूरे राज्य में स्थिति क्या है, तो आज के स्थिति में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये हावी है महाविकास आघाड़ी में, और कांग्रेस का कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है। यह घाटा कैसे भरा जाए, इसके ऊपर कांग्रेस पूरे जोर शोर से चिंतन कर रही है। भाई जगताप जी को मुंबई का अध्यक्ष बनाया क्योंकि वो आक्रामक है, नाना पटोले जी को विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफा दिलवाकर
महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, तो ये सारी रणनीति जो है वो कांग्रेस को फिर से एक बार मजबूत करने की स्थिति में लेके जा रही है। इस स्थिति में अगर चुनाव हुआ तो कांग्रेस तो स्वबल के ऊपर ही लड़ने वाली है, खुद के बल पर लड़ने का उनका एक प्रकार का संकल्प दिख रहा है, और इसके चलते कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी का जो पूरा खिचड़ी ऊपर पक रहा है वो खिचड़ी कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं नमक ज्यादा ना हो जाए, तीखा कम ना हो जाए, इसके चलते चुनाव को टालना ये एक रणनीति मुझे ध्यान में आता है। तीसरे मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ। आपको पता होगा कि 2 महीने पहले महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, 14,000 गांवों में चुनाव हुए। महाविकास आघाड़ी के सारे नेताओं ने मिलकर ये बात बताई थी कि महाविकास आघाड़ी इस चुनाव को इकट्ठा लड़ने जा रही है। क्या हाशिया हुआ? हाशिया ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ, महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टियां एक तरफ, लेकिन फिर भी पूरे 14,000 में से 6,000 जगह पर आज भाजपा के सरपंच बैठे हुए हैं, यानी ग्राउंड लेवल पर जनता आज भी भाजपा के तरफ है। इसका भय महाविकास आघाड़ी के मन में बैठा हुआ है, उसके बाद कोई चुनाव अभी करना नहीं। इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार की मनोवृत्ति ये महाविकास आघाड़ी के नेताओं की हुई है। आपको लगता है सर कि जो बंगाल में चुनाव चल रहा है, सुधीर जी, और एक चौथा मुद्दा बंगाल की तरफ आएंगे, उसके आगे का एक मुद्दा बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जवाब कोई भी महाविकास आघाड़ी का नेता आज की तारीख में नहीं दे पाएगा। 1.5 साल हुए ये सत्ता बैठी हुए, माननीय उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री बैठे हुए, आप एक काम बताइए मुझे, एक काम जो उद्धव ठाकरे जी ने, पुराने सारे काम छोड़ दीजिए, उद्धव ठाकरे जी ने प्रपोज किया है और वो इस महाराष्ट्र में शुरू हुआ है पिछले 1.5 साल में, एक भी ऐसा नया काम नहीं। अभी कल ही महाराष्ट्र का अर्थसंकल्प टेबल पर रखा गया। आप अगर अर्थसंकल्प को पढ़कर देखेंगे तो उसमें जवानों के लिए, तरुणों के लिए कुछ नहीं, किसानों को कर्ज माफी देने वाले थे, सर सकट कर्ज माफी की मांग ये सारे अजीत पवार और पृथ्वीराज चव्हाण और ये सब करते रहे, लेकिन जब उनका बजट पेश करने का समय आया तो किसानों के कर्ज माफी के बारे में एक शब्द भी वहां पर नहीं बताया गया। ठीक है, महिलाओं के बारे में 1% राहत, वो भी स्टैम्प ड्यूटी में, घर खरीदेंगे कहां से? 1.5 साल में कोरोना में जनता का हलाहल चल रहा है और ये बोल रहे कि आप घर खरीदो, अपनी पत्नी के नाम पे खरीदो तो हम 1% स्टैम्प ड्यूटी में राहत देंगे, मतलब ये खिलवाड़ चल रहा है। तो ये सारी स्थिति में इस सरकार का परफॉर्मेंस ये कहीं ना कहीं सवाल में आ जाएगा। चुनाव के माहौल में क्या आता है, तो चुनाव के माहौल में परफॉर्मेंस बताया जाता है। परफॉर्मेंस क्या है सरकार के बारे में, हम क्या जाकर जनता को बताएंगे जिसके कारण जनता हमें वोट देगी, तो इसके लिए बोलने के लिए मुद्दे नहीं है। और अभी आपका 5वां मुद्दा मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों चुनाव टाल रहे हैं। तो ये चुनाव इसलिए टाल रहे हैं कि पहले बात तो क्या है कि ये इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस, मतलब इलेक्शन कमीशन का प्रेशर आ रहा था, इसके लिए फिर वो वार्ड की रचना जो है वो बन गई, फिर मतदार यादी, प्रारूप यादी उसकी घोषित कर दी। प्रारूप यादी में बहुत सारी गड़बड़ियां बीजेपी के नेताओं ने निकाली और 20,000 ऑब्जेक्शन रेज किए है। 3 मार्च को ये अंतिम यादी डिक्लेयर करनी थी, लेकिन 3 मार्च तक ये नहीं हो सकती ऐसा बताकर इन्होंने और समय मांगा है, और ये समय मांगते मांगते वहां पर 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा इलेक्शन कमीशन ने कर दी। यस। अभी मुझे एक बात बताइए कि ये प्रारूप यादी को अंतिम करने के लिए महानगर पालिका के अधिकारियों ने जो कारण बताया वो कोरोना का कारण है। अगर आज महाराष्ट्र में जितने केसेस है उसके तुल्यबल केसेस केरल में है, तो अगर केरल के पूरे राज्य के इलेक्शन हो सकते हैं तो यहाँ नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त को खाली अंतिम यादी करने के लिए संभव नहीं बोल रहे, तो ये कारण देकर आप क्या करना चाह रहे हैं? धोखा क्या है सुधीर जी? धोखा इनको ये है कि वहां बंगाल का इतना बड़ा रण संग्राम चल रहा है, वहां मोदी जी का एक भाषण होगा तो यहाँ नवी मुंबई में माहौल बदल जाएगा, ये डर बैठा हुआ है सुधीर जी। इनका डर क्या है? तो इनका डर ये है कि उधर मोदी जी का, अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का भाषण होगा तो यहाँ माहौल बदल जाएगा, कहीं ना कहीं हम पीछे पड़ जाएंगे और हमारे लिए बोलने के लायक कुछ नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम उसको नेगेट कैसे करेंगे? इसके चलते, इस डर के चलते ये पूरा इलेक्शन का खेल यहाँ रचा हुआ है। और सुधीर जी, ये कितना धोखा है
तो मेरे हिसाब से अगर मुझे आप पूछेंगे तो ये सरासर जो डेमोक्रेसी है उसकी हत्या है, क्योंकि छह महीने तक प्रशासक का काल रहता है, उसके आगे डेढ़ साल तक आप प्रशासक रखते हैं, यानी आप एक तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, लोकशाही को खत्म कर रहे हैं। इस देश से, इस नवी मुंबई से लोकशाही खत्म हो रही है, ऐसा एक भाव अभी जनता के मन में आने लगा है। और ये तानाशाही उद्धव ठाकरे जी के सत्ता में ये तानाशाही चल रही है, ऐसा मेरा मानना है। आपको लगता है कि अब बीजेपी ज्यादा प्रभावी ढंग से अपना काम कर रही है, और नवी मुंबई में बीजेपी की जो ताकत है, महाअघाड़ी के बिखराव के बाद बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है, और अगले चुनाव में निश्चित तौर पर बीजेपी मेजॉरिटी के साथ जीतेगी? 100% मंदाताई मात्रे हमारे पार्टी में आई, 2014 का चुनाव लड़ी, जीती, फिर हमारे गणेश नाइक साहब पार्टी में आए, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और अभी एक अच्छा तालमेल बनाकर हमारे जिला अध्यक्ष माननीय रामचंद्र घरत जी साहब है, उनके तीनों के नेतृत्व में ये बीजेपी का जो पूरा जिसको बोलते हैं सत्ता की तरफ मार्गक्रमण ये चल रहा है, और इसी का डर महाविकास आघाड़ी को बैठा हुआ है, जिसके कारण ये चुनाव नहीं करना या टालना ये इसका पूरा प्लान बन चुका है, ऐसा लग रहा है। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे इम्पोर्टेंट सवाल का आपने जवाब दिया। जैसा कि आपने सतीश निकम जी को सुना कि महाविकास आघाड़ी अपने आप में बिखराव के रास्ते पर है, और ऐसे में बीजेपी की ताकत और बढ़ती हुई नजर आ रही है, जाहिर सी बात है जिसकी ताकत बढ़ेगी चुनाव में वही जीतेगा। फिलहाल तो ये फैसला जनता के हाथ में है, और जब चुनाव होंगे तो जनता अपना फैसला निश्चित तौर पर करेगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन आप हमारी अगली खबरों के लिए देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।